गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। इसके बारे में हम जानते हैं, ये PSW रजिस्टर, ये जनरली एक PSW जो रजिस्टर होता है, जनरली ये क्या है, एक फ्लैग रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, PSW जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, और ये क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम का जो भी स्टेटस होता है उसे इंडिकेट करने के लिए PSW वर्ड रजिस्टर का यूज़ करते हैं। PSW वर्ड जो रजिस्टर है, ये इसमें टोटल 8 बिट होते हैं, जो कि D0 से लेकर D7 तक इसका दिया गया है, D0 से D7 तक स्टोर किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये D0 से D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, इसे कहीं कहीं पे लिखा जाता है PSW7 या फिर PSW0, PSW1, PSW2, PSW3, PSW4, PSW5, PSW6 और PSW7 पे भी इंडिकेट किया जाता है। D0 जिस पे क्या होता है, P मतलब हो गया पैरिटी फ्लैग, D1 हम लोग फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं, OV हो गया ओवरफ्लो फ्लैग, RS0 एंड RS1 रजिस्टर 2 बीट हैं, इनके अलावा F0, ये F0 पे जनरल पर्पस और यूज़र डिफाइंड के लिए हम यूज़ करते हैं, AC हो गया एक्सिलरी कैरी फ्लैग और CY हो गया कैरी फ्लैग। तो सबसे पहले कैरी, CY मतलब हो गया कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या करता है, अगर हम कहीं भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जब भी कोई कैरी का ऑप्शन आता है तो उस कैरी को होल्ड करने का या स्टोर करने का काम करता है ये कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग ये काम करेगा, जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद जो भी कैरी आएगा उसको स्टोर करने का काम करते हैं ये कैरी फ्लैग। नेक्स्ट है AC। AC मतलब हो गया ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मतलब हो गया जो भी वैल्यू RS1 और RS0 में, अगर कोई भी कैरी आता है RS1 और RS0 में, जो भी कैरी आएगा उसे होल्ड करने का काम या उसे स्टोर करने का काम करता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इसमें से जो भी रजिस्टर है D0 से D7 तक, उसमें से 6 होता है जो यूज़ करते हैं, और जो दो बीट हैं वो अनयूज्ड बीट होते हैं। जो अनयूज्ड बीट हैं वो है F0 और D1। जैसे F0 क्या होता है, हम लोग इसे जनरल पर्पस और यूज़र के लिए रिजर्व रखते हैं। जब भी हमें एक्स्ट्रा बीट की ज़रूरत हो या स्टोर करने का होता है तब हम FO का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है OV। OV मतलब ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग मतलब क्या हो गया, अगर 8 बिट का कोई भी वैल्यू है 8 बिट के बाद, क्या होता है कोई आंसर आ जाता है 9 बिट, मतलब 8 बिट तो आया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा नंबर वो होता है जो ऐड हो जाएगा, मतलब 9 बिट हो गया टोटल। तो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड हो गया उसे होल्ड करने का काम करेगा ओवरफ्लो फ्लैग रजिस्टर। तो ये होता है ओवरफ्लो फ्लैग। D1 जो फ्लैग, ये D1, इस D1 बिट पे क्या होता है, नॉट यूज्ड, ये क्या होता है, इसका यूज़ हम नहीं करते, ये फ्यूचर के लिए हम इसे स्टोर कर रखते हैं। एंड D0 या फिर हम बोलते हैं PSW0, ये क्या होता है, ये इसमें क्या होगा, पैरिटी फ्लैग होते हैं, ये क्या होता है पैरिटी, P मतलब होता है पैरिटी फ्लैग, यहाँ पे शो किया गया है P मतलब पैरिटी फ्लैग। इसमें क्या है, नंबर ऑफ 1 अगर ऑड रहेगा तब क्या होता है, जो D0 या फिर D0 है वो क्या होता है, सेट होगा। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो क्या हो गया, D0 = 0, मतलब रीसेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं 1010001, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 = 3 है, तो क्या हो गया, ऑड हो जाएगा। तो जब ये ऑड हो गया तो ऑड होने पे क्या होता है, D0 क्या होगा, सेट होगा। अगर यहाँ पे देखो नेक्स्ट बीट है 1001000 है, जिसमें नंबर ऑफ 1 2 है, 2 हो गया E1, जब I equal to 1 equal to हो गया 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 कितना है, 2 है, 2 मतलब E1 है, जब E1 होगा तो ये क्या होगा, D0 = 0 होगा और ये क्या होगा, रीसेट होगा। वैसे ही क्या है, यहाँ एक नंबर दिया है 1 इतने 0 1 1 1 0 0 1 0 0 जिसमें नंबर ऑफ 1 है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ
वन है सेवन, तो नंबर ऑफ वन इक्वल टू सेवन, तो सेवन क्या है, ऑड है, तो ऑड होने पर डिनोट क्या होगा, वन होगा, और ये क्या होगा, सेट होगा. तो ये था पैरिटी फ्लैग, तो ये है PSW. नेक्स्ट है D4 एंड D3. D4 और D3 में क्या है, RS1 और RS0 होते हैं. इसमें क्या है, RS1 और RS0, ये क्या है, एक बैंक है, मतलब रजिस्टर, ये है एक रजिस्टर बैंक, रजिस्टर बैंक है. अगर ये रजिस्टर बैंक हो गया, 0 से 3 तक स्टोर रजिस्टर बैंक होते हैं, 0, 1, 2, 3. अगर मान लो हमें चाहिए रजिस्टर बैंक 0, तो क्या होगा, RS not इक्वल टू 0 रखना होगा एंड RS1 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. मतलब ये 0, और जब 0 होगा तो क्या होगा, रजिस्टर बैंक नंबर 0 सेलेक्ट होगा. अगर 0 और 1 रहा तो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट होगा. अगर 1 और 0 रहा तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट होगा. वैसे ही अगर 1 और 1 रहे तो रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट होगा. यहाँ जो 1 और 1 रहते हैं, जब भी 1 और 1 रहेगा तो यहाँ क्या होता है, एक कैरी जनरेट होता है. यहाँ पे शो किया गया है, जब भी 1 और 1 रहेगा तो कैरी जनरेट होगा, तो इस कैरी को होल्ड करने का काम करेगा AC. AC क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. तो AC ये जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, जब भी RS0 और RS1 में जो भी कैरी होगा उसे होल्ड करने का काम करता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. तो ये है PSW के टोटल फंक्शन, हर बीट का क्या क्या वर्क है इसके बारे में यहाँ बताया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, इसमें बताया गया है PSW के बारे में. PSW, द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, इज एन 8-bit रजिस्टर. इट इज ऑल्सो रिफर टू एज द फ्लैग रजिस्टर. ऑल्थो द PSW रजिस्टर इज 8-bit वाइड, only 6 bits of it are used by the 8051, the two unused bit register. जिसमें से यहाँ बताया गया 6 bit जो used होते हैं और 2 unused bit register हैं, जो user defined flag होते हैं. नेक्स्ट बताया गया है 4 of the flag called conditional flag, meaning that they indicate some conditions that result after an instruction is executed. These 4 are carry, CY carry, CAC auxiliary carry and P4 parity and OV equals the overflow flag. नेक्स्ट इज इसके जो बॉक्स है उसके बारे में बताया गया है कि क्या है, CY कैरी फ्लैग, AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, F नॉट अवेलेबल टू यूजर टू जनरल पर्पज, RS1 रजिस्टर बैंक सेलेक्टर बिट 1, RS0 रजिस्टर बैंक सेलेक्टर बिट 1, OV इज ओवरफ्लो फ्लैग, P इज द पैरिटी फ्लैग एंड PSW1 इज द यूजर डिफाइनेबल बिट. नेक्स्ट इस बैंक के बारे में बताया गया है, जो कि बैंक अगर 0 एंड 0 रहते हैं तो 0 रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट होता है, जिसका एड्रेस 0 से 7 तक का होता है, और हर एक रजिस्टर जो बैंक होते हैं वो 8-bit के होते हैं. वैसे ही RS1 0 एंड 1, ये वो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट होगा, जिसका एड्रेस होगा 0 8H से 0 FH. वैसे ही रजिस्टर RS1 1 है और RA 2 है, तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट होगा, जो एड्रेस होगा वो 10H से 17H तक होगा. वैसे ये RS1 और RS2 है, जो 1 एंड 1 है, तो रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट होगा, जिसका एड्रेस होगा 18H से 1FH तक होता है. नेक्स्ट कैरी फ्लैग के बारे में बताया गया है, दिस फ्लैग इज सेट व्हेनेवर देयर इज कैरी आउट फ्रॉम द D7 बिट. दिस फ्लैग बिट इज अफेक्टेड आफ्टर एन 8-bit एडिशन और सब्सट्रैक्शन. इट कैन ऑल्सो बी सेट टू 1 और 0 डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रक्शन सच एज सेट BC सेट बिट, जिसे सेट बिट बोला जाता है, एंड CLRC क्लियर कैरी. नेक्स्ट है AC, द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एंड इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम D3 टू D4 ड्यूरिंग एन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. एडिशन शॉर्ट फॉर्म में हम AD लिखते हैं एंड सब्सट्रैक्शन SUB ऑपरेशन. दिस बिट इज सेट, अदरवाइज इट इज क्लियर्ड. दिस फ्लैग इज यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म BCD अरिथमेटिक. BCD होल्ड किया बाइनरी कॉड डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल BCD कोड मतलब हो गया जैसे 8421, ये दिया हुआ है. अगर हमें बोला जाता है राइट 2 को बाइनरी फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखते हैं, बाकी सारे में 0 एंड 0, जो 1 है 1 के नीचे, 2 के नीचे 1, बाकी में 0.
वैसे ही बोला जाता है राइट डाउन द 4 इन बाइनरी कोड। तो क्या हम करेंगे, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, बाकी में 0 एंड 0 पुट करेंगे। वैसे ही क्या बोला जाता है, राइट डाउन द बाइनरी इन बीसीडी कोड। तो क्या लिखेंगे, 0 एंड 0 एंड इसमें क्या होगा, 2 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 1, तो उसे हम बाइनरी कोड डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लैग में बोलता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग के बारे में बोलता है, इफ रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ 1 इज इन ए रजिस्टर ओनली इफ द ए रजिस्टर कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ 1 इज देन पी इक्वल टू 1, अदरवाइज पी इक्वल टू 0। इफ ए हैज एन इवन नंबर देन इवन नंबर ऑफ 1 इज। मतलब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ 1, मतलब नंबर ऑफ 1 इज ऑड मीन्स ऑड, देन क्या होता है, पी इक्वल टू 1 होता है। इफ नंबर ऑफ 1 इज इवन देन पी इक्वल टू 0 होंगे। तो ये था पैरिटी फ्लैग। नेक्स्ट इज ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग में बोलते हैं, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन एवर द रिजल्ट ऑफ साइन नंबर ऑपरेशन इज टू लार्ज कॉजिंग द हाई ऑर्डर बिट टू ओवरफ्लो इनटू द साइन बिट। इन जनरल द कैरी फ्लैग इज यूज टू डिटेक्ट एरर इन अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। द ओवरफ्लो फ्लैग इज ओनली यूज टू डिटेक्ट एरर्स इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये था हमारा पैरिटी बिट के बारे में। ओके, थैंक यू।